किसी नॉन वायलेंट आदमी के पीछे एक वायलेंट आदमी पड़ जाए, उस नॉन वायलेंट आदमी के सामने एक बहुत ही वायलेंट आदमी का खड़ा होना जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे किसी का भाई किसी की जान के 17वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस फिल्म के अब तक की टोटल इंडिया नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई या फ्लॉप। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 15,80,00,000 का नेट कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 67,10,00,000 का कलेक्शन किया था, और अपने पहले हफ्ते में 91,84,00,000 का कलेक्शन किया था, तो दूसरे हफ्ते में 16,00,00,000 का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने अपने 15वें दिन में 55,00,000 का और अपने 16वें दिन में यानी शनिवार के दिन में लगभग 80,00,000 का नेट कलेक्शन किया, और इसी के साथ इस फिल्म के 16 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 109,19,00,000 हो चुका है, तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 130,40,00,000 हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 51,00,00,000 का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 16 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 181,40,00,000 हो चुका है। दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म के 17वें दिन के कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने 17वें दिन में इंडिया में लगभग 1,00,00,000 का नेट कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 120 करोड़ है, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में एवरेज साबित हुई है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस फिल्म का लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन कितना होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।